हेलो भाइयों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम अपने बात करेंगे जो T20 वर्ल्ड कप का सुपर 12 का आज के दिन का पहला मैच होगा जो खेला जाएगा पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच में। और ये जो मैच है मस्ट विन होने वाला है पाकिस्तान के लिए, अगर उनको अपनी थोड़ी भी उम्मीद यहाँ पर बाकी रखनी है तो ये मैच पाकिस्तान के लिए जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा। बस भाइयों, वीडियो पूरा देखना, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले भाइयों, अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को जो नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि वहीं पर आपको इस मैच की फाइनल टीम मिलेगी, बैटिंग ऑर्डर मिलेगा, न्यू प्लेयर्स के स्टैट्स मिलेंगे और पिच रिपोर्ट मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर अगर आप कमेंट सेक्शन में जाओगे इसी वीडियो के तो जो सबसे पहला कमेंट आपको मिलेगा टॉप पर पिन किया हुआ, उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। बात करेंगे मैच के बारे में। 1:30 बजे मैच स्टार्ट होगा, मैच खेला जाएगा SCG पर। और ये जो विकेट है देखो, बैटर्स को मदद करता है लेकिन स्पिनर्स को भी यहाँ पर मदद मिलती है। एवरेज स्कोर 150 से 180 बनता है। चार मैचेस यहाँ पर इस ग्राउंड पर इस वर्ल्ड कप में हुए और चारों के चारों बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने जीते हैं, मतलब चेस करना यहाँ पर डिफिकल्ट रहा है। अब देखो जो चार मैचेस यहाँ पर अब तक हुए ना, उसमें आप देखो फर्स्ट इनिंग में 9 विकेट फास्ट को, स्पिनर्स को 7 विकेट है। सेकंड इनिंग में फास्ट को 22 विकेट है, स्पिनर्स को 16 विकेट है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो सेकंड इनिंग में ज़्यादा विकेट गिर रहे हैं क्योंकि चेज यहाँ पर स्कोर हो नहीं रहा। इन दोनों टीमों के बीच में 21 मुकाबले हुए हैं, पाकिस्तान ने 11 और साउथ अफ्रीका ने 10 जीते हैं। टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा। साउथ अफ्रीका की टीम की बात करूँ तो अब तक अनबीटन रहे हैं, पहला मैच नो रिजल्ट, उसके बाद में 2 मैच बैक टू बैक जीते हैं। ओपन करेंगे क्विंटन डिकॉक और टेम्बा बाउमा। क्विंटन डिकॉक की बात करूँ तो 47 नो डाउट, 63 और 1 किया है इन्होंने अब तक, और हेड टू हेड में 4 मैच में 147 रन है, इंपॉर्टेंट रहेंगे। टेम्बा बाउमा का फॉर्म खराब है और कंटिन्यू है, 2-2-10 हैं, करियर में 31 मैच में 579 रन है। राइलो रोशो की बात करूं तो पहले में बैटिंग आई नहीं, दूसरे में 109 किया और फिर 0 पर आउट हो गए थे, करियर में 24 मैच में 667 रन, 39 का एवरेज है। एडन मार्करम पहले में बैटिंग आई नहीं, दूसरे में 10 रन किए, फिर 52 रन, 0 विकेट था इंडिया के खिलाफ। हेड टू हेड में 4 मैच में 179 रन है। देखो अगर टॉप से विकेट जल्दी गिरते हैं ना तो फिर एडन मार्करम इंपॉर्टेंट बन जाता है। डेविड मिलर पहले में बैटिंग आई नहीं, दूसरे में 2 नोट आउट, आखिरी में 59 नोट आउट हैं, करियर में 16 मैच में 318 रन, 45 का एवरेज है। ट्रिस्टन स्टब्स न्यू प्लेयर हैं, पहले में 9 बैटिंग है, फिर 7 है, फिर 6 हैं, करियर में 12 मैच में 155 रन, 22 का एवरेज है। डब्लू पर्नेल की बात करूँ तो पहले में 1 विकेट था, दूसरे में विकेटलेस, आखिरी मैच में 3 विकेट इसके नाम थे, 5 मैच में 5 विकेट इसका हेड टू हेड का रिकॉर्ड है। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कैसा हो महाराज, पहले में 1 ओवर डाला विकेटलेस, दूसरे में 1 विकेट, फिर विकेटलेस, करियर में 20 मैच में 20 विकेट है, 24 मैच में 20 विकेट है सॉरी। रबाडा का भाई फॉर्म उतना अच्छा लग नहीं रहा, पहले में विकेटलेस, दूसरे में 1 विकेट, फिर विकेटलेस, करियर में 52 मैच में 55 विकेट है। नोकी बहुत बढ़िया फॉर्म में, 3 मैच में 6 विकेट ऑलरेडी निकाल चुका है और करियर में 27 मैच में 30 विकेट है। लुंगी एंगेडी ये भी बढ़िया फॉर्म में, पहले में 2 विकेट, फिर दूसरा खेला नहीं और तीसरे में 4 विकेट थे इंडिया के खिलाफ, करियर में 34 मैच में 57 विकेट है। यहाँ से इंपॉर्टेंट रहेंगे डिकॉक, यहाँ से एडन मार्करम, राइली रोशो को आप चाहो तो ट्राई कर लेना। देखो या तो राइली रोशो को रख लो या फिर डेविड मिलर को रख लो। और बॉलर्स में नोकिए, पर्नेल और यहाँ से लुंगी एंगेडी मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है। आप चाहो तो रबाड़ा को ट्राई कर सकते हो लेकिन उनका फॉर्म उतना अच्छा लग नहीं रहा। बाकी बेंच पर जो भी इनके प्लेयर्स हैं इनमें से कोई खेलता है उसके स्टेट्स मिल जाएंगे। इनकी तरफ से स्टार्टिंग ओवर डालेंगे कगिसो, रबाड़ा, डब्लू पर्नेल, डेथ के ओवर डालेंगे नोकिए, पर्नेल, रबाड़ा और महाराज। अब बात करेंगे दूसरी टीम यानी कि पाकिस्तान की टीम की। पाकिस्तान की टीम अपने पहले 2 मैच हारी, आखिरी मैच जीती। ओपन करेंगे मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम। मोहम्मद रिजवान की बात करूँ पहले में 4, फिर 14, फिर 49 है, हेड टू हेड में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 10 मैच में 373 रन है। बाबर आजम का फॉर्म गंदा है भाई, 0-4-4, हेड टू हेड में 10 मैच में 410 रन है। फ़कर जमान आज इनका खेलना मुश्किल बता रहे हैं सब कि भाई मुश्किल है, देखते हैं। फिर भी पहले 2 मैच खेले नहीं, आखिरी में 20 है, हेड टू हेड में 6 मैच में 130 रन, 26 का एवरेज, 0 विकेट है। शान मसूद इंपॉर्टेंट रहेगा अगर बाबर आजम नहीं खेलता है तो, क्योंकि फिर ये वन डाउन आएगा। 52 नोट आउट हैं, 44 हैं, 12 हैं और करियर में 15 मैच में 328 रन है। इफ्तिकार अहमद पहले में जरूर अच्छी पारी थी 51 की लेकिन उसके बाद में 5 और 6 नोट आउट हैं, हेड टू हेड में 2 मैच में 24 रन, 0 विकेट है। शादाब खान पहले में 5 रन, 0 विकेट, फिर 17 रन, 3 विकेट, फिर 4 रन, 3 विकेट है, हेड टू हेड में 3 मैच में 29 रन, 2 विकेट है। मोहम्मद नवाज पहले में 2 विकेट थे, उसके बाद में 22 रन किए लेकिन बॉलिंग नहीं मिली, आखिरी मैच में 2 ओवर डाले वहाँ पर भी विकेट लेस थे, क्योंकि अभी ना पाकिस्तान की टीम 6 प्रॉपर बॉलिंग के ऑप्शन खिला रही हैं तो नवाज के ओवर कटने के चांसेस हाई रहने वाले हैं। 7 मैच में 48 रन, 8 विकेट है।
मोहम्मद वसीम पहले में 12 चार विकेट, दूसरे में 2 विकेट है, करियर में 22 मैच में 32 विकेट है। शंशा अफरीदी का भी फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, रबाड़ा के जैसे ही 16 रन 0 विकेट, 1 रन 0 विकेट, 1 विकेट है, हेड टू हेड में 9 मैच में 7 विकेट है। हारिश रॉप बढ़िया बॉलर है, 4 मैच में 3-4 विकेट है, 3 मैच में 4 विकेट है, हेड टू हेड में 5 मैच में 5 विकेट है। नसीम शाह का भी फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, 3 मैच में 2 ही विकेट है, करियर में 12 मैच में 13 विकेट है। यहाँ से अभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे रिजवान बाबर को रख सकते हो, शान मशहूद हैं, शादाब खान हैं, मोहम्मद वसीम हैं और हरीश रॉप हैं। बाकी बेंच में जो भी इनके प्लेयर्स हैं इनमें से कोई खेलता है उसके स्टार्ट्स आपको मिल ही जाएंगे। यहाँ से स्टार्टिंग की ओर डालेंगे शंशा अफरीदी, नसीम शाह, डेथ की ओर डालेंगे मोहम्मद वसीम, हरीश रॉप, नसीम शाह, शंशा अफरीदी। एनालिसिस वाला जो पार्ट है इस मैच का वो हो चुका है कंप्लीट, चलेंगे डेमो टीम की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो, चलते हैं डेमो टीम की तरफ। बात करूं यहां पर डेमो टीम की, तो डेमो टीम में मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन से रिजवान और क्विंटन डिकॉक को रखा है, बैटिंग सेक्शन से शान मशहूद, बाबर आजम, राइलो रोशो को रखा है, ऑलराउंडर सेक्शन से एडन मार्करम, शादाब खान, व्यान परनेल को रखा है और बॉलिंग सेक्शन से हरीश रॉप, नोकिए और लुंगी एंगिडी को रखा है। कैप्टन मेरे डिकॉक है, वाइस कैप्टन रिजवान है, लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम जो भी होगी आफ्टर टॉस आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो थैंक यू भाइयों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू।